कृष्ण दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं। देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि खास भास्कर में दिया गया परीक्षा शुल्क नहीं, इसलिए बिना कोर्स वालों ने भी भरा है फॉर्म। 92,000 आवेदन हो गए निरस्त। इसका मतलब है कि जो लोग टीटी में या बीएड और डीएड अनिवार्य मंगा गए, जो लोग टीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो बीएड और डीएड डीएड नहीं किए हैं, उनका एग्जाम आपका देखिए यहाँ पर 92,000 आवेदन निरस्त होंगे। साथ ही जो लोग 22 साल में 3.27 लाख ने कोर्स किया है लेकिन परीक्षा दिलाने में 4.19 लाख ने फॉर्म भरा है, इसका मतलब अब यही है कि यहाँ पर देखिए जो लोग अभी तक बीएड डीएड का क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, जो लोग उसमें बीएड का क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोग भी वहाँ फॉर्म भर चुके हैं, तो उन लोग का भी 92,000 से अधिक आवेदन होंगे निरस्त। साथ ही देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षक पात्रता भर्ती यानी कि टीटी में शामिल होने वाले उम्मीदवार पहली पर बार कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसका असर यह है कि पहली यानी कि पांचवी में टीटी के लिए 4.19 लाख और छठवीं या आठवीं परीक्षा के लिए 3.64 लाख आवेदन जमा हो गए हैं। रिकॉर्ड आवेदन जमा होने के पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली बात जानकारी सामने आई है कि टीटी परीक्षा में वही शामिल हो सकते हैं जिन्होंने बीएड या डीएड किया है। राज्य बनने के बाद 22 साल में इन दोनों कोर्स को करने वाली जो करीब संख्या है 3.27 लाख, लेकिन इस साल टीटी में 4.19 लाख आवेदन आए। कितने आए? 4.19 लाख यहां पर आवेदन आए हैं, लेकिन कोर्स कितने किए हैं? 3.27 लाख के आसपास यहां पर कोर्स किए गए हैं, यानी कि आपको 92,000 से अधिक यहाँ पर फॉर्म निरस्त होंगे, ठीक है। साथ ही यह भी देखिए यहाँ पर पहले 300 रुपये परीक्षा शुल्क इसलिए आवेदन आते थे कम, लेकिन यहाँ पर व्यापम से परीक्षा में शामिल होने के लिए 300 रुपये तक की फीस ली जाती थी, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने इस साल व्यापम और पीएससी के आयोजित होने वाली परीक्षाओं के तहत शुल्क को माफ कर दिए गए हैं। साथ ही हर साल बीएड की सीटें दर बढ़ रही, 22 वर्षों में 2.09 लाख रुपया, साथ ही यहाँ पर 2 लाख से अधिक, और राज्य में देखिए 5 साल में बीएड करने वालों की संख्या जो है 10,000 हो गई है और डीएलएड करने वालों की संख्या करीब 1.18 लाख है। डीएलएड करने वालों की संख्या कितनी है? 1.18 लाख, ठीक है, यही आपको जानकारी देना था। और साथ ही देखिए यहाँ पर परीक्षा का 18 सितंबर होंगे प्रवेश होगा, आपका पत्र जल्द होगा जारी, ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहें। परीक्षा आपका 18 सितंबर को ही होगा सीजीटीईटी का, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब